एक बार की बात है, एक राजमहल में दो रानियां, रानी जानकी देवी और रानी कावेरी देवी। यह दोनों रानियां राजा विक्रम सिंह की पत्नी हैं। राजा विक्रम सिंह अपनी दोनों रानियों को एक समान ही प्यार क्या करते थे, लेकिन रानी जानकी देवी वह स्वभाव की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वह रानी कावेरी देवी से जलती थी। ऐसे ही नोक छोक में समय बीत रहा था। राजमहल में खुशियाँ आने वाली थी। दोनों रानियां माँ बनने वाली थी। कुछ समय बाद राजा विक्रम सिंह को खुशियां मिलती हैं कि उनके महल में एक नहीं दो दो राजकुमारियों ने जन्म लिया है। यह सुनकर राजा विक्रम सिंह खुशी से झूम उठते हैं और वह रानी कावेरी देवी के पास जाते हैं। तभी रानी कावेरी देवी की दासी राजा से कहती हैं, राजा जी, हमें आपको बताते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि अब हमारे बीच रानी कावेरी देवी नहीं रही। राजकुमारी को जन्म देते समय उनकी मृत्यु हो गई। राजा विक्रम सिंह अपनी नवजात बच्ची को अपने हाथ में लेते हैं और बहुत रोते हैं। उन्हें बहुत दुख होता है। लेकिन जब इस बात की खबर रानी जानकी देवी को लगती है कि अब रानी कावेरी देवी नहीं रही, तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह अपनी बहन सुमित्रा से कहती हैं, अरे वाह बहन, तुमने तो सही भविष्यवाणी की थी कि वह कावेरी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी, और जैसा कि आपने कहा था वैसे ही हुआ। मेरा कांटा हमेशा हमेशा के लिए साफ हो गया। अब मैं इकलौती राजा विक्रम सिंह की पत्नी हूँ, रानी जानकी देवी। जानकी, इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। राजा विक्रम जी रो रहे थे, मैं उन्हें दिलासा देने गई। उन्होंने तो अपनी बेटी को देखा नहीं, लेकिन तभी मैंने देखा रानी कावेरी देवी की बेटी। मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो कितनी ज्यादा सुंदर है, बिल्कुल परियों की तरह। रंग बिल्कुल सफेद, बाल सुनहरी, नीली नीली झील जैसी आंखें, सच में बहुत ज्यादा सुंदर है। मेरी ये भी भविष्यवाणी गलत साबित नहीं होगी, उसकी सुंदरता पूरे राज्य में धूम मचा देगी, धूम। अरे राजा जी आइए। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। राजा जी, कावेरी बहन के बारे में सुना बहुत दुख हुआ। लाइए हमारी दूसरी राजकुमारी को हमें दे दीजिए, और आप इस बात की चिंता मत कीजिए। जैसे मेरी बेटी वैसे ही कावेरी बहन की बेटी भी मेरी बेटी है। मैं दोनों में कभी कोई फर्क नहीं करूंगी। रानी जानकी देवी, हमें आपसे यही उम्मीद थी। अब मुझे जाना होगा, मुझे राजा भानु प्रताप सिंह से मिलना है, थोड़ा समय लग जाएगा। ऐसा कहकर राजा विक्रम सिंह दूसरे राज्य चले जाते हैं। राजा भानु प्रताप सिंह से मिलने जब जानकी देवी की नज़र कावेरी की बेटी के ऊपर जाती है, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह अपनी बेटी का नाम नैना और कावेरी की बेटी का नाम सुनैना रखती है। तभी वह अपनी बहन को बुलाती है और उससे कहती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा था, यह तो सच में परियों की तरह सुंदर है। मेरी बेटी तो इसके सामने कुछ नहीं। जब तक वो कावेरी जिंदा थी, तब तक उसने राज किया। अब वह मर गई तो उसकी बेटी राज करेगी? नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्या तुम कुछ कर सकती हो? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तक रानी कावेरी देवी की बेटी को किसी ने नहीं देखा। अगर तुम कहो तो एक जादूगरनी की सहायता लेकर इसे बदसूरत बना सकते हैं। रानी जानकी देवी तुरंत तैयार हो जाती हैं। जादूगरनी से जादू टोना करवाकर वह बेचारी सुनैना नवजात बच्ची को, जिसने अभी कुछ नहीं देखा, उसके साथ जानकी देवी और उसकी बहन इतना बुरा कर रही थी। वह जादूगरनी सुनैना को पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए गंजी कर देती है, और उसका रंग बिल्कुल काला, जिसे देखकर रानी जानकी देवी बहुत खुश होती है। अब आया ना मजा, कितनी ज्यादा बदसूरत होगी। अब तो बस मेरी बेटी के ही चर्चे होंगे। इस गंजी काली कलूटी के नहीं, इसे तो कोई राजकुमारी भी नहीं समझेगा। ऐसा सोचकर जानकी बहुत खुश होती है, और समय के साथ साथ नैना और सुनैना दोनों बड़ी हो जाती हैं। सुनैना को अपने गंजे होने की वजह से और अपने रंग रूप की वजह से बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता था। नैना और सुनैना का जन्मदिन आता है। राजा विक्रम सिंह बहुत धूमधाम से अपनी दोनों राजकुमारी बेटियों का जन्मदिन मनाना चाहते थे। वह राज्य के सभी लोगों को बुलाते हैं। तभी नैना की कुछ दोस्त सुनैना का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं,
अरे देखो देखो कैसी राजकुमारी है गंजी काली कलूटी। ऐसी राजकुमारी तो हमने आज से पहले कभी नहीं देखी। राजकुमारी तो सिर्फ एक ही लगती है, वो है नैना। पता नहीं इतनी बदसूरत लड़की ने राजमहल में कैसे जन्म ले लिया। इसे तो हमें राजकुमारी कहते हुए भी शर्म आती है। गंजी, अगर इसका जन्मदिन होता तो हम तो कभी नहीं आते। इतनी बदसूरत लड़की के जन्मदिन पार्टी में हम तो सिर्फ नैना तुम्हारी वजह से आए हैं। देखा गंजी काली कलूटी, तेरी वजह से हमारी कितनी ज्यादा इंसल्ट हो रही है। तो इस राजमहल पर धब्बा है धब्बा। मेरा जन्मदिन तेरे साथ नहीं होता तो कितना अच्छा होता। मैं अलग जन्मदिन सेलिब्रेट करती। मुझे तो जैसी काली कलूटी गंजी के साथ अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना नहीं होता। चल अब मुझसे थोड़ी दूर होकर खड़ी हो, वरना तेरा काला साया मुझे भी बदसूरत कर देगा। नैना मैं गंजी हूँ, काली हूँ, बदसूरत हूँ, जैसी भी हूँ, लेकिन हूँ तो तुम्हारी बहन ही। और मैं भी तो राजकुमारी हूँ। इस तरह से मेरी इंसल्ट तो मत करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सब तो मेरा मजाक उड़ाते ही हैं। कम से कम तुम तो मेरे दुख को समझो। मुझे भी बुरा लगता है कि जब यह मुझे काली कलूटी गंजी कहती है, मुझे राजकुमारी नहीं मानती। सब बस तुमसे ही प्यार करते हैं। इसी तरह से सब बेचारे सुनैना का मजाक उड़ाते थे और सुनैना बेचारी बस रोती रहती थी। वह इतनी बदसूरत क्यों है, लेकिन बेचारी को कहाँ पता था कि वह सुंदर थी। यह तो सब उसकी सौतेली माँ का करा धरा है। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रानी जानकी देवी और दोनों राजकुमारी नैना और सुनैना को बहुत दुखद खबर मिलती है कि अब राजा विक्रम सिंह इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर सुनैना का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पिताजी मुझे इस तरह से अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। कह दो कि ये झूठ है। वो इस तरह से हमें अकेले छोड़ कर कैसे जा सकते हैं? अब मैं पिताजी के बिना कैसे रहूंगी? माँ के बिना तो मैंने रहना सीख लिया था, लेकिन अब पिताजी के बिना, वो भी मुझे अकेले छोड़ के माँ के पास चले गए। माँ तो पहले ही छोड़ के चली गई। मनहूस करमजली, अब ये रोना धोना बंद कर। जब देखो मुझे उनके सामने तेरी गुलामी करनी पड़ती थी, तो जैसे गंजी काली बदसूरत की, अब मुझे सुकून के सांस आएंगी। और अगर तेरा रोना धोना खत्म हो गया हो तो चल अपने सुंदर वस्त्र उतार, गहने उतार और दासी के कपड़े पहन। अब मैं सभी नौकरों की छुट्टी कर दूंगी, क्योंकि तू मुफ्त में हमारे लिए काम करेगी। अब तो राजकुमारी नहीं है, समझ में आ रही है? ऐसा कहकर जानकी बेचारी सुनैना के ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म और अत्याचार करती। उससे पूरे राजमहल की सफाई करवाती, बर्तन साफ करवाती, कपड़े धुलवाती और उसे बाहर एक टूटे फूटे स्टोर रूम में रहने के लिए जगह देती और पहनने के लिए भी फटे पुराने कपड़े और खाने के लिए भी रूखा सूखा खाना, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। ऐसे ही एक दिन नैना सुनैना से कहती है, सुन गंजी काली कलूटी बदसूरत, जल्दी इधर आ और मेरे लिए सुनहरी बगीचे से ताजी ताजी फूल लेकर आ। जब देखो 24 घंटे काम चोर काम करने से बसती रहती है। बेचारी सुनैना सुबह से घर के काम कर रही थी और उसके बाद नैना के लिए सुनहरी बगीचे से फूल लेने के लिए निकल जाती है। तभी उसे रास्ते में एक जख्मी चिड़िया मिलती है जो पूरी तरह से जख्मी थी। सुनैना उस जख्मी चिड़िया की मदद करती है और जैसे ही वह ठीक हो जाती है तो वह एक सुंदर परी के रूप में आ जाती है और वह सुनैना से कहती है, मैं रानी परी हूँ। एक जादूगरनी ने मुझे चिड़िया बना दिया। वो मेरी शक्तियाँ लेना चाहती थी, लेकिन समय रहते उसके चंगुल से भागकर मैं यहाँ आ गई और जख्मी हो गई। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो मैं मर जाती, और अगर मैं मर जाती तो मेरी सारी शक्तियाँ उस जादूगरनी के पास चली जाती। इसलिए तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ, बताओ तुम क्या चाहती हो? रानी परी जी, सब मेरे रंग रूप का, मेरे गंजे होने का बहुत मजाक उड़ाते हैं। टकली टकली काली कलूटी, पता नहीं मुझे किस किस नाम से पुकारते हैं। कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता, और मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन भी मुझे मेरे रंग रूप की वजह से बहुत परेशान करती हैं। कहने के लिए मैं एक राजकुमारी हूँ, लेकिन मेरे साथ नौकरों से भी ज्यादा बुरा बर्ताव करती हैं। ठीक है सुनैना, मैं तुम्हें सोने के बाल देती हूँ, जिसकी वजह से तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो जाओगी और जादुई सोने के बाल तुम्हारी सुंदरता में चार चांद लगाएंगे।
लेकिन सुनैना, मैं तुम्हें एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। तुम हमेशा की ऐसी नहीं थी। तुम्हारी सौतेली माँ ने बचपन में एक जादूगरनी से जादू टोना कराकर तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम्हें इसका बदला लेना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें जादुई चांदी के बाल देती हूँ। रानी परी सुनैना को जादुई सोने के बाल दे देती है, जिसकी वजह से वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। अपनी सौतेली माँ की सच्चाई जानकर उसे बहुत दुख होता है और वह रानी परी के जादुई चांदी के बाल लेकर महल वापस आ जाती है। सुनैना को इतना ज्यादा सुंदर देखकर दोनों माँ बेटी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। तभी सुनैना अपनी सौतेली माँ और बहन से कहती है, माँ और नैना, आपको पता है मुझे एक रानी परी मिली थी, जिन्होंने मुझे जादुई सोने और चांदी के बाल दिए। सोने के बाल लगाकर मैं इतनी ज्यादा सुंदर हो गई, और चांदी के बाल अगर तुम लगा लोगी नैना, तो तुम दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की बन जाओगी। मुझसे रानी परी ने ऐसे ही कहा था। यह सुनकर नैना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह नाचने लगती है और वह उससे जादुई चांदी के बाल छीनकर जैसे ही लगाती है तो वह बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। यह देखकर जानकी आग बबूला हो जाती है और वह जैसे ही सुनैना को मारने के लिए हाथ उठाती है तो सुनैना अपनी सौतेली माँ को धक्का देकर बहुत दूर गिरा देती है और कहती है, आपकी जलन की वजह से मेरा पूरा बचपन खराब हो गया। लोगों के ताने सुन सुनकर मुझे कितना बुरा लगता था। मेरा दिल ऐसा भी करता था कि मैं अपने आप को खत्म कर लूं। लेकिन आपके दिल में जरा भी रहम नहीं आया मेरे लिए। आपने मैं ज्यादा सुंदर ना दिखूं, बस सूरत हो जाऊं, एक जादूगरनी का सहारा लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी सजा ये नहीं है, तुम्हारी बेटी इसी तरह से बस सूरत रहेगी और तुम्हें काल कोठरी की सजा होगी। अब तुम्हें रानी पद से हटा दिया जाएगा। ऐसा कहकर सुनैना अगले दिन राज्य के सभी लोगों को राजमहल में बुलाती है और अपनी सौतेली माँ की सारी सच्चाई सबको बताती है। तो राज्य के सभी लोग भी जानकी को काल कोठरी की सजा सुनाने के लिए कहते हैं और जानकी को काल कोठरी की सजा हो जाती है और नैना इसी तरह हमेशा हमेशा के लिए बस सूरत हो जाती है। इसी तरह दोनों माँ बेटी को उनके के की सजा मिल जाती है और सुनैना राजकुमारी बनकर एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। कई वर्ष पुरानी बात है, नागलोक में बहुत सारे प्रजाति के नाग नागिन रहा करते थे, लेकिन उन सब में लोकप्रिय एक ही नागिन थी, शेषा नागिन। वह कोई साधारण नागिन नहीं थी, वह 100 साल की तपस्या के बाद एक इच्छाधारी नागिन बनी थी और वह नागमणि की रक्षा करती थी। शेषा नागिन बहुत ही अच्छे स्वभाव की नागिन थी। वह अपने नागलोक में किसी भी प्रकार की प्रजाति के नाग नागिन को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करने देती थी। जिस किसी को भी जिस चीज की जरूरत होती वह तुरंत प्रकट कर देती थी, जिस वजह से शेषा नागिन बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। सुनसान रात थी, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, चांदनी रात थी, मानो जैसे पूर्णिमा का चांद नागलोक में साक्षात प्रवेश होने वाला है। उस चांद की चांदनी इस तरह से बिखर रही थी और शेषा नागिन उस चांद के नीचे खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी कि तभी पीछे से काली नागिन आती है और वह उनके ऊपर हमला कर देती है। काली नागिन, तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? मैंने तो तुम्हें 100 साल की कड़ी सजा दी थी, तुम यहाँ नहीं आ सकती। ओह, अच्छा तो तुम उस पाखंडी बाबत से मिलकर काला जादू कर यहाँ आई हो। आखिर तुमने अपना सौतेलापन दिखा ही दिया। लेकिन काली नागिन, जो तुम चाहती हो वह तुम्हें कभी हासिल नहीं होगा। नागमणि कहाँ है वह तुम्हें कभी पता नहीं चलेगी। तुम वहां तक कभी नहीं पहुंच पाओगी, कभी नहीं। यह जो तुमने मुझे जहरीला खंजर घोपा है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया काली नागिन, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मुझे पता था शेषा नागिन, मुझे पता था कि तुम मरते मरते भी मुझे नागमणि के बारे में नहीं बताओगी। मैंने अपनी माँ को मारने में समय नहीं लगाया क्योंकि मुझे नागमणि हासिल करनी थी। तो फिर तू कौन सी खेत की मूली है? तुझे तो मैंने मौत के घाट उतार ही दिया, कुछ ही समय में तेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर तू जिंदा रहना चाहती है तो मुझे बता दे कि नागमणि कहाँ है। मेरे पास इस जहर को काटने का जहर है और तेरी बेचारी तीन तीन बेटियां, वह मासूम, उनका तेरे बिना क्या होगा? चल जल्दी से बता दे कि नागमणि कहाँ है। नागलोक की रक्षा करने के लिए और यहाँ के सभी
नाग नागिनों को सुरक्षा देने के लिए मैं अपनी 300 बेटियां भी कुर्बान करती हूँ, लेकिन मैं तुझे नागमणि के बारे में कभी नहीं बताऊंगी, कभी नहीं। तो उसके लिए ऐसी ही तड़पती रहेगी, लेकिन तुझे कभी नागमणि हासिल नहीं होगी। और देखना, तेरी मौत बहुत ज्यादा दर्दनाक होगी, तू मौत के लिए तड़पेगी, लेकिन तुझे आसानी से मौत नहीं मिलेगी। ओहो, फिलहाल तो तू मौत के लिए तड़प रही है। मुझे पता है कि तू मुझे नागमणि के बारे में अब नहीं बताएगी, तो मर, तुझे मरने का इतना ही शौक है तो नागमणि का तो मैं पता लगा ही लूंगी। आखिर मैं इस मकसद के लिए ही तो दोबारा से वापस आई हूँ। इतना कहकर काली नागिन वहाँ से चली जाती है और कुछ समय बाद शेषा नागिन के पास उसकी 3 बेटियाँ आती हैं, विशाखा नागिन, बेला नागिन और शिवानी नागिन। अपनी माँ को जख्मी हालत में देखकर 3 बहनें बहुत ज्यादा रोती हैं। तभी शेषा नागिन अपनी बेटियों से कहती है, मेरी प्यारी बेटियों, जिस खंजर से मेरे ऊपर वार हुआ है उससे बचना मेरा नामुमकिन है। मुझे तुम्हें छोड़कर इस दुनिया से दूसरी दुनिया में जाना होगा, लेकिन मेरी प्यारी बेटियों, अब तुम्हारे लिए ये जगह सुरक्षित नहीं है। तुम्हें नागलोक छोड़कर जाना होगा, क्योंकि काली नागिन आ गई है और वह नागमणि हासिल करने के लिए तुम 3 को भी मौत के घाट उतार देगी, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। मेरी बच्चियों, तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाना होगा और वहाँ जाकर एक साधारण जीवन यापन करना होगा। ठीक है बेटा, तुम्हारा जिंदा रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना नागमणि खतरे में आ जाएगी। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? नहीं नहीं माँ, आपको कुछ नहीं होगा। आप हमें इस तरह से अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। आपकी वजह से यह नागलोक कितना सुरक्षित था, यहाँ पर कोई बुरी शक्ति नहीं आती थी। अब सभी नाग नागिन मुसीबत में आ जाएंगे और हम आपके बिना कैसे रहेंगे माँ? माँ, कोई तो उपाय होगा कि हम आपको बचा पाए। कृपया करके अपनी आंखें खुली रखिए और हमें छोड़कर कभी मत जाइए। हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे माँ, माँ, आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। इस तरह से 3 नागिन बहनें बहुत ज्यादा फूट फूट कर रोती हैं, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि शेषा नागिन हमेशा हमेशा के लिए अपनी 3 बेटियों को अलविदा कह चुकी थी। अपनी माँ के कहे अनुसार 3 नागिन बेटियाँ नागलोक छोड़कर पृथ्वी पर आ जाती हैं और वहाँ आकर एक साधारण जीवन जीने लगती हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन बेला नागिन अपनी 2 बहनों के पास आती है और उनसे कहती है, विशाखा दीदी, शिवानी दीदी, हमें अपनी माँ की मौत का बदला लेना होगा। इस तरह से हम हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते, और आप जानती हो नागलोक में सभी नाग नागिनों को बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। बेचारी छोटी छोटी नागिनों का शिकार तो रोज हो रहा है, हमारे नागलोक में कभी नहीं हुआ। बहुत बुरी दशा है हमारे नागलोक की, जिसे माँ ने इतने प्यार से संभाल के रखा था। मगर बेला, तुम्हें माँ के अंतिम शब्द याद है ना? उन्होंने क्या कहा था? नागमणि तभी सुरक्षित रह सकती है जब हम 3 बहनें जिंदा रहेंगे, और वह दुष्ट काली नागिन का सामना करना इतना आसान नहीं है। अपनी मौत को दावत देना है, हम उसका सामना नहीं कर सकते। अब जो भी हो रहा है, हमें उसे आँख बंद करके स्वीकार करना ही होगा। दीदी, इसका भी तोड़ मैंने निकाल लिया है। यहाँ पृथ्वी पर पहाड़ियों के पीछे एक बहुत ही अच्छी जादूगरनी रहती है। अगर हम उसके पास जाएंगे और उसे अपनी परेशानी बताएंगे, तो शायद वह हम 3 नागिन बहनों को जादू सिखा दे, और उसके बाद हम 3 बहनें जादुई 3 नागिन बहनें बन जाएंगी, और उसके बाद हम उस दुष्ट काली नागिन का सामना कर पाएंगे और अपने नागलोक को भी बचा पाएंगे। बेला नागिन की बात विशाखा नागिन और शिवानी नागिन को समझ में आ जाती है, और 3 बहनें उस जादूगरनी के पास जाती हैं और उसे अपनी सारी बात बताती हैं। तो वह जादूगरनी 3 नागिन बहनों की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, और वह उन्हें अलग अलग तरह का जादू सिखाती है, और कुछ ही समय में 3 बहनें बहुत अच्छी तरह से जादू सीख जाती हैं, और वह जादुई शक्तियाँ प्राप्त करके नागलोक जाने का फैसला करती हैं। और वहाँ जाकर देखती हैं तो
वहाँ अलग ही माहौल था। चारों तरफ अफरा तफरी मच रही थी। एक नाग चार पांच नागिनों के बच्चों को खाने वाला था। तभी शिवानी नागिन उसके सामने जाती है और उससे कहती है, नहीं नहीं, तुम इन बच्चों को नहीं मार सकते। इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम इन्हें खाना चाहते हो। मैं कहती हूँ कि तुम इन्हें अभी के अभी छोड़ दो, वरना तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मुझे इनका खून पीना है। मेरे रास्ते से हट जा, वरना मैं तेरा भी खून पी जाऊंगा। शिवानी नागिन के बहुत समझाने के बाद वह नाग नहीं मानता, क्योंकि वह इस नाग लोक का नहीं था। तभी शिवानी नागिन अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और उस नाग को जान से मार देती है और उन सभी नागिनों के बच्चों को बचा लेती है। तीनों बहनें कुछ और दूर चलती हैं तो कुएं से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही थी, कोई है, कोई है, हमें इस कुएं से बचाओ। इस कुएं के अंदर बहुत सारे नाग नागिन हैं। हमारी जान को खतरा है, हमें बचाओ। वह दुष्ट काली नागिन हमें मारना चाहती है। अरे कोई है, हमें बचाओ, हमें बचाओ। यह आवाजें सुनकर तीनों बहनें घबरा जाती हैं। बेला नागिन कुएं के अंदर झांककर देखती है तो बहुत सारे नाग नागिन मुसीबत में थे। तीनों बहनें अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती हैं और अपने मुंह से बहुत सारा पानी निकालती हैं और वह कुआं पूरा भर जाता है, जिसकी वजह से सभी नाग नागिन सही सलामत बचकर बाहर आ जाते हैं और वह तीनों बहनों की बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। अरे तुम तो हमारी प्रिय शेषा नागिन की बेटियां हो, तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है उस दुष्ट काली नागिन ने इस नाग लोक में अपना कहर ढा रखा है। जिसे चाहती है उसे खा लेती है, जिसे चाहती है उसे नाग लोक से दूर भेज देती है, खाने के लिए भी नहीं देती। बहुत परेशान कर रखा है, अपनी गुलामी कराती है और हम सब ने उसकी गुलामी करने से मना कर दिया तो हमें तड़प तड़प के मरने के लिए इस कुएं के अंदर छोड़ दिया। जब तक शेषा नागिन जिंदा थी इस नाग लोक में कभी मुसीबत नहीं आई, उनके जाते ही पता नहीं क्या हो गया। बेटा अपनी माँ की इस अमानत को बचा लो, वरना यह तहस नहस हो जाएगी। नागिन अम्मा आप परेशान मत होइए, हम आए हैं उस काली नागिन को मात देने के लिए। अब यहाँ पर किसी को भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप सब सुरक्षित हैं। इस तरह से जादुई नागिन बहनें सबकी मदद कर रही थी और इस बात की खबर काली नागिन तक पहुंच जाती है तो वह बहुत खुश होती है। अच्छा तो उस शेषा नागिन की बेटियां वापस आ गई। मैंने उन्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की, लेकिन वह पता नहीं कौन से बिल में जाकर छुप गई थी। अच्छा हुआ कि खुद ही वापस आ गई, अब उन्हें मेरे कहर से कौन बचाएगा। शेषा नागिन तो बहुत समझदार समझती थी ना खुद को। मुझे पता चल गया, तेरी बेटियों की मृत्यु के बाद मेरी बरसों की इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि नागमणी मुझे मिल जाएगी तेरी बेटियों की मौत के बाद। और फिर मैं सिर्फ नागलोक पर ही नहीं, पृथ्वी लोक पर, परी लोक पर, सब जगह अपना हुकुम चलाऊंगी, राज करूंगी, राज। आ जाओ जल्दी उन्हें मेरे पास लेकर आओ किसी भी तरीके से, अब मैं अपना और समय बर्बाद नहीं करना चाहती। काली नागिन खुश होकर अपने साथियों को तीनों बहनों को लाने के लिए कहती है। विशाखा नागिन पेड़ के नीचे आराम कर रही थी और बेला और शिवानी नागिन किसी की मदद करने गई थी तो काली नागिन के साथी विशाखा नागिन को ही अपने साथ ले जाते हैं। तभी काली नागिन विशाखा नागिन को देखकर कहती है, चलो कोई नहीं, एक आ गई तो दो भी आ ही जाएंगी, क्योंकि अपनी बहन को मुसीबत में देखकर वह दोनों बहन खुद को रोक नहीं पाएंगी और खुद ब खुद यहाँ आ जाएंगी, मेरा शिकार हो जाएंगी। जैसे मैंने इनकी माँ को मारा, वैसे ही अब इन तीनों बहनों को भी मारने का समय आ गया, बहुत मजा आएगा। काली नागिन तुझे क्या लगता है कि तू हमें मार पाएगी? नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। और हम यहाँ अपनी माँ की मौत का बदला लेने आए हैं और तुझे तड़पा तड़पा कर मारेंगे, तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। हाँ हाँ सपने देखो, क्योंकि सपने देखने बहुत अच्छी बात होती है, देखो देखो, लेकिन तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, क्योंकि जो तुम्हारे पास शक्तियाँ हैं वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। मैं बर्फीले इलाके में 100 साल तपस्या की है, जिनका मुकाबला तुम तीनों बहन कभी नहीं कर पाओगी। तुम्हें तो मैं यूं ही चुटकियों में मसल दूंगी।
ऐसा कहकर काली नागिन विशाखा नागिन के चारों तरफ आग लगा देती है और उसे एक पिंजरे में बंद कर देती है। कुछ समय बाद शिवानी और बेला नागिन को पता चल जाता है कि विशाखा नागिन को काली नागिन ने कैद कर लिया है, तो दोनों बहनें बहुत ज्यादा गुस्से में काली नागिन के पास जाती हैं और उसे कहती हैं, काली नागिन अभी भी समय है कि तू मेरी बहन को छोड़ दे, वरना तेरा अंजाम अच्छा नहीं होगा। अगर मेरी बहन को खरोंच भी आई तो हमारे कहर से तू नहीं बच पाएगी। मैं कहती हूँ कि मेरी बहन को छोड़ दे। विशाखा दीदी आप परेशान मत होइए, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। यह दुष्ट काली नागिन आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, बस आप परेशान मत होइए। शिवानी दीदी देखिए ना विशाखा दीदी का क्या हाल हो गया, इस दुष्ट काली नागिन ने दीदी को कितना टॉर्चर किया है। दीदी अब समय आ गया कि हम इस दुष्ट नागिन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दें। आप समझ रही हो ना हमें क्या करना है? हाँ मेरी बहन मैं समझ रही हूँ। अब हमें अपनी शक्तियों को एकजुट करना होगा, हमें एक विशाल नागिन बनना होगा, तभी हम इस काली नागिन का सर्वनाश कर पाएंगे। ऐसा कहकर दोनों बहनें अपनी शक्तियों को एकजुट कर लेती हैं और वह एक विशाल नागिन में बदल जाती हैं और उस काली नागिन से मुकाबला करती हैं। काली नागिन और विशाल नागिन में बहुत देर लड़ाई चलती है और उसके बाद विशाल नागिन अपने मुंह से खतरनाक आग निकालती है और उस काली नागिन को उस आग में जला देती है। काली नागिन चिल्लाती रहती है क्योंकि वह आग बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। इस आग से मुझे बचाओ, यह आग तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ, यह आग तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है, मुझे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। शिवानी बेला विशाखा मुझे तुम एक पल में ही मार दो, लेकिन इस तरह तड़पा तड़पा कर मत मारो। मैं बुरी तरह से तड़प रही हूँ, मुझे इस तरह से मत मारो, यह कोई साधारण आग नहीं है। इस आग की मौत में नहीं मरना चाहती, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, मुझे बचा लो मुझे बचा लो। काली नागिन उस आग के अंदर तड़पती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आता क्योंकि उसने नागलोक में सभी नाग नागिन को बहुत परेशान करके रखा था और सब उसकी मौत देखकर बहुत खुश हो रहे थे। यह देखकर नागलोक के सभी प्रजाति के नाग नागिन बहुत खुश होते हैं और तीनों बहनों के लिए तालियां बजाते हैं और उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा करते हैं। तुम तीनों बहनों ने बिल्कुल अपनी माँ की तरह हमारी रक्षा की है, तुम तीनों बहनें बिल्कुल अपनी माँ की परछाई हो। तुमने नागमणि को भी कुछ नहीं होने दिया और इस नागलोक को भी बचा लिया, उस दुष्ट काली नागिन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब हमारे नागलोक को खतरा नहीं है, अब हम आजादी के साथ जी सकते हैं। लेकिन उस काली नागिन की वजह से हमारे नागलोक में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, वह पूरा कैसे होगा? किसी को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कोई आम नागिन नहीं है, हमारे पास जादुई शक्तियां हैं जिनकी मदद से हमने उस दुष्ट काली नागिन का भी सर्वनाश कर दिया और हम अपनी जादुई शक्तियों से अपने इस नागलोक को भी दोबारा से हरा भरा कर सकते हैं। इस तरह से तीनों जादुई नागिन बहनें अपनी माँ की मौत का बदला भी ले लेती हैं और अपने जादू का इस्तेमाल करके नागलोक को भी पहले की तरह हरा भरा कर देती हैं। पहले की तरह सब हंसी खुशी रहते हैं। अब तीनों बहनें भी एक साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं।